What's up guys, welcome back to another video. मैं आपका दोस्त प्रमोद भटीचा, कैसे हो आप सब? I hope you guys are doing really really great and today we are back with another 24 hour challenge where we will be eating Burger King for 24 hours. Yes, you heard it right. McDonald's का जब 24 hour challenge किया था ना, कमेंट सेक्शन में कितने लोगों ने लिखा था बर्गर किंग करो, बर्गर किंग करो, बर्गर किंग करो। तो इस बार वी आर फाइनली डूइंग 24 आवर बर्गर किंग ईटिंग चैलेंज। लेट्स हैव अ ब्रेकफास्ट राइट नाउ, इट्स 11:30 इन द मॉर्निंग। बर्गर किंग से हम लोग आज बहुत कुछ ऑर्डर करने वाले हैं, पूरा वीडियो देखना बिकॉज बहुत सारा डिलीशियस बर्गर किंग का खाना आपको दिखने वाला है। सो लेट्स सी बर्गर किंग के ब्रेकफास्ट मेन्यू में हमको क्या मिलता है, ब्रेकफास्ट मेन्यू किधर है, ब्रेकफास्ट एंड ऑल डे ब्रेकफास्ट। ओके, सो यहाँ पे भी वी डोंट हैव एनी गुड ब्रेकफास्ट ऑप्शन, सो जो है हमको उसी के साथ काम चलाना पड़ेगा। मैं एक बर्गर किंग का वेजी ऑर्डर कर लेता हूँ, दो हैश ब्राउन्स ऑर्डर कर लूंगा यार मैं, ये मस्त लग रहा है ये ऑर्डर करते। अभी इस वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज करने वाले हम लोग, हर व्हील के साथ मैं आपको एक फैक्ट बताऊंगा बर्गर किंग के बारे में। सो हर एक फैक्ट ध्यान से सुनना, बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। ब्रेकफास्ट के लिए वेट करते हैं यार, बहुत ज्यादा भूख लग रही है। ऑर्डर इज फाइनली हियर, इनकी पैकेजिंग काफी अच्छी है, लेट्स टेस्ट दिस नाउ। काफी चीजें मैंने ऑर्डर की थी, आपने सब चीजें देख ली। Three hash browns, burger, wedge stripes. So the first thing which you're going to try is their Burger King veggie burger. This is how the burger looks like. It has one patty in it. There's some lettuce and mayo. I guess ये काफी simple और basic सा burger है. Let's see this. So fresh. It's quite a basic burger. It just has potatoes, peas and some mayonnaise and lettuce. Let's try the hash browns now. Wow. This is something really good. The best part about this hash brown, it's deep fried really really well. It's golden brown, proper garam hai, fresh hai. Also we ordered veg stripes, so usko bhi khate hain. Usko bhi khate hain, usko bhi khate hain. These are some of their veggie stripes. Again, nothing fancy. They're hot. अंदर आलू है और पीज है। मैंने आपको बोला था कि मैं हर मील के साथ आपको बर्गर किंग के बारे में एक फैक्ट बताऊंगा जो आप में से शायद काफी लोग को नहीं पता है। फैक्ट नंबर वन इज बर्गर किंग को ऑस्ट्रेलिया में बर्गर किंग नहीं कहा जाता। यस, मुझे भी काफी सुन के वियर्ड लगा था कि यार बर्गर किंग की अपनी ब्रांड है, वो ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री में अपना नाम क्यों नहीं रख सकते। इट्स बिकॉज ऑफ सम कॉपीराइट इश्यूज विद वन ऑफ द बर्गर चेन्स इन ऑस्ट्रेलिया, जिसकी वजह से वो वहां पे बर्गर किंग नाम नहीं रख सकते। ऑस्ट्रेलिया में उसको हंगरी जैक्स कहा जाता है। जब मैंने ये चीज पढ़ी आई वाज लाइक वो, ऑस्ट्रेलिया में आप कोई भी बर्गर खाओगे ना हंगरी जैक्स में से, उसकी पैकेजिंग आपको बर्गर किंग जैसी ही लगेगी बिकॉज वो है ही बर्गर किंग। सो दिस वाज फैक्ट नंबर वन। ऑल्सो जब मैं अपना ब्रेकफास्ट कर रहा था, मुझे मेरा ये पार्सल मिला, कॉल आया था मुझे, एंड दीज आर माई फेवरेट पेयर ऑफ हेडफोन्स। सो दैट वॉज इट, एंड आई सी यू गाइस डायरेक्टली एट द लंच। नाउ लंच में हम लोग बहुत कुछ खाने वाले हैं, बहुत स्पाइसी और काफी डिलीशियस चीजें खाने वाले हैं। सी यू एट द लंच। सो वी आर हियर इन बर्गर किंग टू हैव अ लंच। इट्स ऑलमोस्ट, व्हाट्स द टाइम, इट्स ऑलमोस्ट 2:45 राइट नाउ। हम लोग अपना लंच करने वाले हैं बर्गर किंग में। एक बर्गर किंग का बर्गर खाया था जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद था, दैट समथिंग विच यू आर गोइंग टू ऑर्डर राइट नाउ। उसके साथ और भी कुछ खाने में ऑर्डर करेंगे, पीने में भी कुछ ऑर्डर करेंगे। चलिए अभी ऑर्डर करते हैं। एक फ्राइड चिकन, एक चिली चीज विदाउट ऑनियन टोमेटो, एक क्रीमी पनीर बाउ दो राइस बॉल, और पीने में क्या क्या है, आइस कॉफी ऐसा कुछ है? एक आइस कॉफी ले लें, सर एक आइस कॉफी ले लें। You don't get tray here, you get directly in this packet of Burger King. अभी आपको पूरा दिखाता हूँ मैंने क्या ऑर्डर किया है। रेड चिली चीज बर्गर, एंड दिस इज माई फेवरेट टू हैव योर इन बर्गर किंग। इट्स अ फायरी चिकन बर्गर योर। एक और चीज़ है वो आ रही है। तो ये है मेरा फेवरेट फायरी चिकन बर्गर। द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस बर्गर इज इट्स पैटी। ये पैटी बहुत मोटी होती है और काफ़ी फ्रेश होती है। मैंने खाया है पहले बर्गर, दैट्स द रीजन आई नो वेरी वेल अबाउट दिस बर्गर। एंड यू हैव लेटस, यू हैव मेयो, यू हैव टोमेटोज एज वेल। द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस बर्गर, इसकी पैटी बहुत मोटी होती है, स्पाइस लेवल काफ़ी अच्छा होता है, एंड जो मेयोनीज एंड जो वेजीज होते हैं दे फिट इन क्वाइट वेल इन दिस बर्गर, एंड देयर बन इज अमेजिंग। मेरे को लगता है ये बर्गर का जो बन है, दिस इज द बेस्ट बर्गर का बन मैंने कभी कोई भी बर्गर में खाया है। आप यहाँ पे चिकन देख सकते हो कितनी जूसी है, मैं एक बार इसको प्रेस करता हूँ। आप यहाँ पे जूसेस देख सकते हो, जिस शोस के चिकन काफ़ी फ्रेश है, दिस मेयोनीज, लेटस, टोमेटोज। अगर आप टोमेटो से नॉट निकलवाना चाहते हो, इट्स अप टू यू,
but this burger is very filling, to be honest. Burger King में कितने burger खा लूँगा ना, ये मेरा सबसे favorite रहेगा. Lately I have shifted from McDonald's to Burger King for the rightful reasons. It's time to try the paneer rice bowl. Okay. Nothing too fancy. It's quite subtle, spicy nahi hai. But I really like the quality of paneer which they use. I feel paneer zyada ho sakta tha. I definitely feel agar ye black peppercorns nahi dalte, it would have been better because I don't think anyone would like this in their rice bowl or something. Ab jaise hum log subah se maine aapko bataya tha, hum log har meal ke saath Burger King ka ek fact बताएंगे आपको. For this meal I'm going to tell you one fact about Burger King is that Burger King has one very special Burger King gold card. अगर आपको Burger King gold card के बारे में पता नहीं है तो मैं आपको बताता हूँ. Burger King gold card दुनिया के बहुत ही कम और बहुत ही फेमस सेलिब्रिटीज को मिलता है, जिसमें यू कैन ईट फ्रॉम बर्गर किंग फॉर योर एंटायर लाइफ विदाउट पेइंग अ पेनी. ये बर्गर किंग का गोल्ड कार्ड दुनिया में सिर्फ 12 सेलिब्रिटीज को है, जिनमें से एक रॉबर्ट डाउनी जूनियर भी है. एंड व्हेन आई रेड अबाउट ऑल दिस आई फेल्ट रियली एक्साइटिंग बिकॉज ये सब फैक्ट्स मुझे नहीं पता थे, तो आई थॉट आई शुड डेफिनेटली टेल यू गाइस आउट. दिस वॉज द फैक्ट नंबर टू ऑफ आर डे. दुनिया में सिर्फ 12 लोगों को मिलता है ये, किसी भी रैंडम इंसान को नहीं मिलता, बिकॉज उस कार्ड से यू कैन ईट वेर एवर यू वॉन्ट इन द एंटायर बर्गर किंग. दुनिया में कहीं भी फ्री लाइफ टाइम कितना भी ऑर्डर करो वो कार्ड के साथ, आपको कोई नहीं पूछेगा. अपना नसीब तो नहीं है वो कार्ड का फिलहाल, अपना नसीब अभी राइस बॉल का, राइस बॉल खाते हैं. और ये हम लोग ने वेज चिली चीज़ बर्गर भी ऑर्डर किया था. दिस इज फॉर पूजा, शी इज़ राइट हियर एंड वी हैव नवीन हियर एज वेल. नवीन इज हैविंग दैट राइस बॉल, हाउ इज़ इट? एंड ये पूजा का फेवरेट है चिली चीज़ बर्गर. एंड स्पेशल टोमेटोज निकल रही है एज ऑलवेज. मस्त है ना एज ऑलवेज. या सो गुड. ये मैंने फ्रैपेचिनो ऑर्डर किया था, आई वॉन्टेड टू हैव एन आइस कॉफी बट दे डिडंट हैव इट. एंड इसको टेस्ट करके देखते हैं. दिस क्वाइट गुड, मीठा थोड़ा ज़्यादा है, स्ट्रॉन्ग कॉफी का फ्लेवर होता है वो कम है. इट्स मोर ऑफ क्रीमी, मोर मिल्की. एंड इफ यू समवन हू लाइक्स जैसे दूध वाला कॉफी एंड ऑल, थोड़ा ठंडा एंड यू नो लेस स्ट्रॉन्ग एंड अ बिट स्वीट, यू गाइस डोंट लव दिस वन. सो यू आर बैक होम. हमारा लंच हो चुका है बर्गर किंग में. एंड ऑल्सो मैं आपको बता दूं वट एवर आई हेट कॉस्टेड मी 500 रुपीज, क्योंकि हमने काफी सारी चीजें ऑर्डर की थी. अभी टाइम हो रहा है, फिर आते आते हम लोग को हो गया अराउंड 3:30 बिकॉज वहाँ बैठे थे, थोड़ा चिल मारा, थोड़ा खाया, ऑर्डर किया. इट टुक अस अराउंड 3:30. इफ यू गाइस एंजॉयिंग द वीडियो टिल नाउ, प्लीज लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल. वी आर गेटिंग क्लोजर एंड क्लोजर टू 10,000 सब्सक्राइबर्स. ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल. एंड शाम को मिलेंगे एक अच्छे से कोई लाइट स्नैक्स के साथ. और एक और फैक्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग है. क्या है वो फैक्ट बता दो आपको शाम को. सी यू इन द इवनिंग. It's 8:15 right now and the news कुछ ऐसी है कि मेरा पेट थोड़ा सा अपसेट हो गया, लाइक हल्का सा अपसेट हो गया, बिकॉज क्योंकि इतने टाइम बाद ऐसा पूरा का पूरा दिन यू नो एक 24 आवर चैलेंज कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम पहले 24 आवर चैलेंज किया था. इसलिए मैंने सोचा शाम का जो स्नैक है उसको रहने देते हैं हम लोग, शाम का जो स्नैक है वो रात के डिनर के साथ ही एक साथ ऑर्डर कर लेंगे. ऑल्सो गाइस अगर अब तक आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपको जाना है कॉमेंट सेक्शन में, और कॉमेंट सेक्शन में जाके लिख दो किंग. ये चीज़ उन लोग को तो पता ही है जो मेरे चैनल पे शुरुआत से रहे हैं, जिन लोग ने मैकडोनल्ड्स का चैलेंज देखा है, जिन्होंने सबवे का चैलेंज देखा है, उनको पता है कमेंट सेक्शन में जाके किंग, बर्गर किंग का किंग क्यों लिखना है. अगर आपको नहीं पता, मतलब आपने वो दो वीडियोस नहीं देखे, फटाफट जाके सबवे और मैकडोनल्ड्स वाला 24 आवर चैलेंज भी देख लो. सो अभी आपको किंग इसलिए लिखना है कॉमेंट सेक्शन में, ताकि मुझे पता चले कि आप अब तक ये वीडियो देख रहे हो. एंड कोई अगर न्यू आता है वीडियो देखने और कमेंट सेक्शन में देखता है कि इतना सारा लोगों ने किंग कमेंट क्यों किया हुआ है, उनको समझेगा ही नहीं, वो लोग को वीडियो देखना पड़ेगा. वीडियो देखने के बाद उसको समझेगा कि अच्छा भाई अभी हमको कमेंट में किंग लिखना है. सो इट्स अ टॉप सीक्रेट बिटवीन मी एंड यू गाइस. वो लोग जो अब तक ये वीडियो देख रहे हैं फटाफट जाके किंग लिख दो, मालूम तो पड़े अब तक कौन वीडियो देख रहा है. ऑल्सो क्योंकि मैं शाम का स्नैक नहीं खा रहा हूँ, लेकिन हर मील के साथ हम आपको एक बर्गर किंग का फैक्ट बताने वाले, तो दैट वुड बी गाइस कि जो वॉपर खाते हैं हम लोग बर्गर किंग में, वो वॉपर एक्चुअली हैज बीन यू नो अ पार्ट ऑफ बर्गर किंग मेन्यू सिंस 1957. सो इट्स काइंड ऑफ एन ओल्डेस्ट बर्गर
यू गेट एट द बर्गर किंग, तो तब वॉपर निकला था, इसलिए बर्गर किंग का वॉपर एज अ बर्गर इज बीन रियली रियली फेमस। टू बी ऑनेस्ट, ये तीन फैक्ट्स तो कुछ भी नहीं थे, जो फोर्थ फैक्ट मैं आपको बताने वाला हूँ ना डिनर करते टाइम, वो सुन के तो मैं खुद इतना शौक हो गया था कि मैं घर में सबको बता रहा था कि भाई सुन ये फैक्ट ऐसा हुआ था, ये चीज़ ऐसी हुई थी, तो वो भी काफ़ी शौक थे। सो फोर्थ फैक्ट क्या है डिनर के साथ आपको मालूम पड़ेगा, बर्गर किंग का एक बहुत ही स्ट्रेंज और वियर्ड चीज़ है जो मुझे पता नहीं थी क्या है, डिनर में आपको बताता हूँ। आई विल सी यू गाइस डायरेक्टली एट द डिनर। सो मेरा बर्गर किंग का डिनर आ चुका है, हियर इट इज। आल्सो आई हैव गॉट वन कैन ऑफ पेप्सी विद इट। गर्मी बहुत ज़्यादा है, ऐसा लग रहा है कि गर्मी वापस आ रही है, इंस्टेड ऑफ गर्मियाँ जाना ठंडी आनी चाहिए, बट गर्मी आ रही है ऐसा मुझे लग रहा है। आप में से काफ़ी लोगों को दोपहर में लगा होगा कि मैंने फ्राइज क्यों नहीं खाए, सो आपके उस सवाल का जवाब है यहाँ पे, आई हैव गॉट फ्राइज, यू हैव फ्राइज। ये आए हुए थोड़ा टाइम हो चुका है इसलिए हल्के से सॉगी हो गए हैं, बट ठीक है कोई बात नहीं। एंड दिस इज अ बर्गर विच मैनी ऑफ यू एक्सपेक्टेड कि मैं खाऊंगा, क्योंकि इसके बिना बर्गर किंग का कोई वीडियो या चैनल शूट नहीं कर सकते। सो हियर इट इज, इट इज सबका प्यारा अ वॉपर। इसकी पैकेजिंग मुझे बहुत पसंद है, एंड एज ऑलवेज यू हैव केचप। दिस इज गोइंग टू बी आर डिनर, एंड हल्के से मैंने ये फ्राइज भी मंगा लिए बिकॉज मैंने आपको बताया कि मैं शाम को कुछ नहीं खा रहा हूँ, तो मैंने एक साथ ही मंगा लिया। ऑल्सो इसको हमने बाजू क्यों रखा है, यू हैव दिस पेप्सी कैन ऑफ पेप्सी एज वेल। सो इट्स एक्चुअली द फर्स्ट टाइम मैं बर्गर किंग का कोई भी वॉपर खा रहा हूँ। दिस बर्गर श्योरली लिव्स अप टू इट्स एक्सपेक्टेशंस ऑफ बीइंग कॉल्ड अ वॉपर बिकॉज इट्स क्वाइट बिग, इट हैज दिस बिग फैट पैटी इन इट, इट हैज टोमेटोज, इट हैज लेटस, मेयोनीज। While I eat this burger, you guys go and comment down and let me know कि आप लोग बर्गर किंग में से कौन सा बर्गर खाना पसंद करते हो। दोपहर का फायरी चिकन इज आज तक का मेरा बेस्ट बर्गर जो मैंने बर्गर किंग में खाया है। इससे क्या उम्मीद करूँ, आई डोंट नो, लेट्स सी, फर्स्ट टाइम ही खा रहा हूँ। दिस इज नॉट बैड, एंड आई डोंट नो मैंने आज तक वॉपर क्यों नहीं खाया, इवन दो वॉपर इज अ सिग्नेचर बर्गर ऑफ बर्गर किंग। अनियन का टेस्ट, मेयोनीज, दिस पैटी राइट हियर, इसमें सिर्फ आलू है अंदर, मे बी थोड़ा सा पीस हो, बट आलू काफ़ी अच्छा क्वालिटी का है, मेयोनीज का क्वांटिटी एंड क्वालिटी बोथ आर क्वाइट गुड। नाउ वी कीप द बर्गर साइड, फ्राइज ट्राई करते हैं। ऑब्वियसली फ्राइज सॉगी हो जाते हैं, अगर आप उसको 10-15 मिनट भी रख दो ना सॉगी हो ही जाते हैं, सॉगी हो गए बट ठीक है, हल्का सा सॉल्टीनेस आ रहा है इनमें से, विच शोज के अगर मैं इनको वहीं खाता या अगर ये फ्रेश होते और मैं खा लेता तो ये कड़क होते अच्छे होते। नाउ वी गोइंग टू टॉक अबाउट द फोर्थ फैक्ट ऑफ बर्गर किंग। ये चीज़ ऐसी है ना कि बर्गर किंग जो ब्रांड है, इसके जो फाउंडर है जिन्होंने ये बर्गर किंग का चेन फाइंड किया था, वो इंस्पायर हुए थे मैकडॉनल्ड्स में। यस यू हर्ड इट राइट, जो ओनर है बर्गर किंग के, जो फाउंडर थे, वो मैकडॉनल्ड्स में गए थे सैन फ्रांसिस्को में एक बार 1953 या 54 के आसपास टू गो एंड हैव अ बर्गर देयर। एंड जब वो वहाँ गए थे, वो मैकडॉनल्ड्स के बर्गर से डबल ट्रिपल पैटी काइंड ऑफ बर्गर्स उन्होंने जो भी वहाँ खाए थे, दे गॉट सो इंस्पायर्ड बाय दैट, वो वहाँ से बाहर गए एंड दे थॉट ऑफ मेकिंग देयर ओन बर्गर चेन, and this is what they came up with, Burger King। yes, सुन के मेरे को बहुत shocking लगा, मुझे लगता था कि दोनों बहुत competitor है, but मुझे actually reality पता चली थी। while I was going through all the facts, I came to know that Burger King came into existence somewhere or somewhat because of McDonald's, because the owner or the founder of Burger King was inspired by McDonald's, and anyways both are the you know best burger joints, but मेरा personal favorite is Burger King, not that I hate McDonald's, but I really like Burger King। तो ये था मेरा डिनर रात का, एंड काफ़ी हैवी हो गया टू बी वेरी ऑनेस्ट। अच्छा वो मैं शाम को स्नैक में कुछ नहीं खाया, एंड रात को इट वाज ऑलमोस्ट काइंड ऑफ अ मील बिकॉज पेप्सी तो हो गई, फ्राइज भी थे, एंड देयर वाज अ बिग वॉपर एज वेल। एंड यार अगर आप सोच रहे हो कि मैंने डिजर्ट में कुछ नहीं मंगाया बिकॉज देयर वर नो ऑप्शंस फॉर मी टू ऑर्डर समथिंग इन डिजर्ट, देयर वाज जस्ट मिल्कशेक जो मुझे पीने नहीं थे बिकॉज दोपहर में आई हैड यू नो कॉफी फ्रैपुचिनो, तो उसमें दूध हो गया, तो आई थॉट आई विल जस्ट अवॉइड इट एट नाइट विद दिस चिल्ड पेप्सी। आई विल टेल यू गाइस गुड बाय बिकॉज वी आर डन फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, लाइक करना इस वीडियो को, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, बेल आइकन को हिट करना, एंड टेल मी व्हाट ऑल अदर 24 आवर चैलेंज विच यू गाइस वुड लव टू वॉच ऑन टू माय चैनल। ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर एंड पीस।